यूजिंग नंबर लाइन एड द फॉलोइंग इंटीजर्स. अब दो इंटीजर गिवन है, नंबर लाइन के हेल्प से उसको सॉल्व करना है. संख्या रेखा का प्रयोग कर निम्न पूर्णांकों का योग कीजिए. तो नंबर लाइन से अगर हम लोग इंटीजर को ऐड करना है तो सबसे पहले हम लोगों को नंबर लाइन बनाना होगा. जहां तक जो मैक्सिमम है वहां तक हम लोग नंबर लाइन में बना लेंगे ताकि वो करना आसान हो. अब देखिए हमें करना है 9 प्लस ऑफ माइनस 5. तो सबसे पहले 0 से हम लोग 9 तक जाते हैं. ये है हमारा 9, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए ए से. ठीक है, प्लस था तो हम लोग राइट की तरफ गए. अब है माइनस 5, नेगेटिव है, तो मतलब अब हम लोग को यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाना है. जब पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग राइट की तरफ जाएंगे और जब नेगेटिव रहेगा तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे. लेफ्ट की तरफ जाना है नेगेटिव है, इसलिए कितना जाना है 5 जाना है क्योंकि यहाँ 5 रिटर्न है. तो वापस जाएंगे 1 2 3 4 5. यहां से हम लोग इतना है, ये हो गया हमारा बी. तो ये पॉइंट हम कहां पहुंचे, 4 की तरफ. तो आंसर क्या होगा हमारा, 9 प्लस ऑफ माइनस 5 इज इक्वल टू 4. अब सेकेंड नंबर करते हैं. इसके लिए भी हमें नंबर लाइन बनाना होगा पहले, क्योंकि नंबर लाइन में ही इसे सॉल्व करके दिखाना है. सबसे पहला क्या है, माइनस 3. तो 0 से हम लोग माइनस 3 की तरफ जाएंगे. ये हमारा ए माइनस 3. उसके बाद है माइनस 7. माइनस है नेगेटिव है तो मतलब फिर से हम लोगों को लेफ्ट की तरफ जाना है. यहाँ से कितना लेफ्ट जाना है, 7. 3 के बाद लेफ्ट जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये आएगा माइनस 10 तक. ये आ गया हमारा बी. तो माइनस 7 जब हम लोग लेफ्ट की तरफ फिर से आए तो हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, माइनस 10. तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस ऑफ माइनस 7 इक्वल टू माइनस 10. इस तरह से नंबर लाइन के हेल्प से ये सॉल्व हो गया.